भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल लोकसभा सीट में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। प्रज्ञा ठाकुर ने भाजपा की सदस्यता लेकर कहा था कि वे चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम मालेगांव ब्लास्ट के साथ साथ आरएसएस नेता सुनील जोशी हत्याकांड में भी आ चुका है। अपने भड़काऊ भाषणों से सदैव सुर्खियों में रहने वाली हैं प्रज्ञा ठाकुर। बचपन से उन्हें आरएसएस से जुड़ाव था। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बचपन गुजारने वाली प्रज्ञा ठाकुर के आयुर्वेदिक डॉक्टर पिता संघ से काफी नजदीक थे। इसी वजह से बचपन से ही प्रज्ञा का आरएसएस की ओर झुकाव रहा। वह संघ की स्टूडेंट यूनिट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय सदस्य रही, जिसके बाद प्रज्ञा विश्व हिंदू परिषद में महिला विंग दुर्गा वाहिनी से भी जुड़ी। 2002 में जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति की स्थापना की। साल 2002 प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए काफी बदलाव से भरा रहा। दरअसल इस साल प्रज्ञा ने जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति की शुरुआत की। प्रसिद्ध स्वामी अवधेशानंद से प्रज्ञा इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। आरएसएस के सुनील जोशी की हत्याकांड में भी उनका नाम आया था। 29 सितंबर 2007 में आरएसएस नेता सुनील जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में साध्वी प्रज्ञा समेत अन्य 7 लोगों के नाम भी शामिल थे। हालांकि साल 2017 में मध्य प्रदेश के देवास कोर्ट में इस हत्याकांड में साध्वी प्रज्ञा को बरी कर दिया था। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा से कांग्रेस से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हाल ही में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। आरएसएस नेता सुनील जोशी हत्याकांड में बरी हो चुकी हैं प्रज्ञा। मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में भी इस समय बेल पर वे जेल से बाहर हैं। मालेगांव ब्लास्ट के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट में नाम आने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जिंदगी बदल गई। ब्लास्ट में शामिल होने के आरोपों में प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में दोनों ही लोग बेल पर बाहर हैं। बता दें कि सितंबर 2008 में मालेगांव में एक बाइक में लगे 2 बम फटने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। मालेगांव कांड को लेकर साध्वी प्रज्ञा के ऊपर मकोका को कोर्ट ने बाद में हटा दिया। उन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया। भोपाल से प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 9 साल जेल में बिताए हैं, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। जेल से बाहर आने पर प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव ब्लास्ट के बाद उनके साथ हुई 23 दिन की यातनाओं के आरोप भी बताए। साथ ही तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम पर उन्हें झूठा केस में फंसाने का आरोप भी लगाया। अब देखने लायक हुआ कि भोपाल में लोकसभा का ऊंट किस करवट बैठता है। क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह के सहारे नया पार लगा पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का ट्रंप कार्ड प्रज्ञा ठाकुर, जो कि कई मामलों में जेल में बंद रही, वो नया पार लगा पाती है।